हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर 12 का बेटा आज का क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेस टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एस स्क्वायर इन एटम इज बेस्ड ऑन विच हाइपोथेसिस एंड व्हेन इट इज दैट ट्रू, व्हेन इज दैट ट्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेस टू 4 8 एप्साइलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एस स्क्वायर एन ऑर्बिट is circular but the inverse force according to inverse force the orbit of electron is elliptical same as planets orbiting around the sun. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो रोटेट हो रहे हैं उसकी जो ऑर्बिट है वो क्या है, सर्कुलर है। बट यहां पे इस फॉर्मूला के बेस पे यहां पे इनवर्स फोर्स, देखो यहां पे इनवर्स फोर्स का जो फॉर्मूला अप्लाई होता है उससे ये प्रूव हुआ कि जो ऑर्बिट है वो कौन सी है, कौन सी शेप में है, एलिप्टिकल शेप में। एंड दिस इज आल्सो ऑब्जर्व, दिस इज आल्सो ऑब्जर्व बाय फिजिसिस्ट सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड ने भी यही ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है वो कौन से शेप में है, एलिप्टिकल शेप। ओके, तो सोमरफेल्ड का जो हाइपोथेसिस हो ये इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी के लिए सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, एटम का ग्राउंड स्टेट कौन सा होता है, व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी, तो En इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेस टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एस स्क्वायर। इसमें हमें फाइंड करनी है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के लिए पहले तो देखो इसमें एम ई ये सारे कांस्टेंट है, तो वन बाय वन में सबकी वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं। एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻³⁻³। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹। 8 तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन वैक्यूम 8.854 × 10⁻², और H होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.63 × 10⁻¹⁴। ये वैल्यू बेटा इस फॉर्मूला में आप रखोगे तो आपको ई एन की वैल्यू मिलेगी −13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो जूल में एनर्जी मिलेगी, जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैलसी में एक कैलकुलेशन पूरा कर देना जिससे आपको -13.6, जेड की वैल्यू अभी हमने नहीं रखी है,
और एन की वैल्यू भी नहीं रखी, तो वो दोनों एज इट इज रख लें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी मिलेगी। अभी बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की। कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन। तो फॉर हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, हाइड्रोजन के लिए जेड इज इक्वल टू वन और ग्राउंड स्टेट के लिए एन इज इक्वल टू वन पुट कर, तो आपको एनर्जी कितनी मिलेगी? ई वन के फॉर्म में -13.6। देखो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, यहाँ पे भी वन स्क्वायर वन हो जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपको कितनी मिलेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। अभी दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। एक डायग्राम से शो करते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का डायग्राम, जिसमें यहां पे n इज इक्वल टू वन हम कंसिडर कर रहे हैं, जो हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टेट को बेटा क्या बोलते हैं? ग्राउंड लेवल बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट या तो ग्राउंड लेवल बोलते हैं, ठीक है। चलो वहां पे एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप n इज इक्वल टू टू रखोगे, उसके बाद n इज इक्वल टू थ्री रखा, यहाँ पे n इज इक्वल टू फोर फाइव सिक्स, वैसे नंबर ऑफ फोर फाइव सिक्स, तो ये जो सारे स्टेट्स है इसको क्या बोलते हैं हम? एक्साइटेड स्टेट्स। ये ग्राउंड स्टेट है, ये है ग्राउंड स्टेट या तो ग्राउंड लेवल, और ये सारे एक्साइटेड स्टेट। तो इक्वेशन स्टार में इसको देते इक्वेशन स्टार, उसमें आप n इज इक्वल टू टू रख देना यहां पर, तो z इज इक्वल टू तो वन है क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन कर रहे, तो z इज इक्वल टू वन, बट n इज इक्वल टू टू रखोगे तो टू का स्क्वायर होगा फोर, तो 13.6 डिवाइड बाय फोर करेंगे कितना? 13.6 डिवाइड बाय फोर, तो आपको आंसर मिलेगा 3.4 सॉरी कितना मिलेगा? 3.4। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, सब में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही, ठीक है। चलो n इज इक्वल टू थ्री रखोगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 13.6 डिवाइड बाय आप 9 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -1.51। उसके बाद मिलेगा -0.85, ओके तो मान लो कि ग्राउंड स्टेट है, उस एनर्जी के लेवल को हम E1 देते,
और n इज इक्वल टू 2 है, इस एनर्जी के लेवल को हम ई 2 देते, हम दोनों के बीच का डिफरेंस भी निकाल सकते। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, हायर स्टेट में एनर्जी माइनस लोअर स्टेट की एनर्जी। चलो तो माइनस 3.14 माइनस 13.6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस मिलेगा आपको 13.6 इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स इज, फर्स्ट में कितना मिलेगा आपको तो 13.6 माइनस 3.4 करोगे तो 10.2 मिलेगा। चलो 10.2 और यूनिट तो कौन सा रहेगा सेम सब में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो वैसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो, E3 और ग्राउंड स्टेट के बीच का अगर करना हो सकता है कि नहीं कैलकुलेशन। एक और हम करके देते हैं आपको, माइनस 1.51 माइनस, और ये हो गया माइनस 13.6, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 13.6 करोगे तो 13.6 माइनस 1.51 मिलेगा 12.09, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई। देखो फर्स्ट ये दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप आया वो कितना आया 10.2, फिर से ये दोनों के बीच में जो गैप अपने लिया वो कौन सा है, वो है 12.09। वैसे ही आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस आप निकाल सकते हो। ओके, इसको एनर्जी डिफरेंस बोला जाता है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन तो लिख दी, अभी यहाँ पे समझते। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में से अगर इलेक्ट्रॉन को आपको फ्री करना हो तो कुछ सर्टेन एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी। जो आप मिनिमम एनर्जी वहां पे देते हो वो मिनिमम एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। डन, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, हाइड्रोजन के लिए हमने पूरा कैलकुलेशन किया। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये टॉपिक का नाम है। हमें फाइंड करना है वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर्स। सपोज हायर एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन इज Ni एंड लो एनर्जी लेवल, फॉर लो एनर्जी लेवल we are assuming here NF, अभी Ni उसका लेवल ग्रेटर है NF से और हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए, ओनली फॉर हाइड्रोजन। चलो अभी हाइड्रोजन के लिए आप जस्ट कैलकुलेशन करो तो आपको मिलेगा ई एन का फॉर्मूला माइनस एम ई रेस टू फोर,
एट एप्साइलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एस स्क्वायर, जेड स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि जेड इज इक्वल टू बेटा कितना होगा वन, क्योंकि हमने हाइड्रोजन अज्यूम किया है इसलिए। अभी फर्स्ट हायर लेवल एनर्जी के लिए फाइन करना हो तो एन को रिप्लेस कर देते हैं एन आई से, माइनस एम ई रेस टू फोर एज इट इज, एट एप्साइलॉन नॉट स्क्वायर यहां पे हो जाएगा एन आई का स्क्वायर और एच स्क्वायर, राइट। फॉर लोवल एनर्जी स्टेट के लिए एन एफ हो जाएगा तो माइनस एम ई रेस टू फोर, एट एप्साइलॉन नॉट स्क्वायर एन एफ स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो एनर्जी का डिफरेंस निकालना, एनर्जी डिफरेंस, तो हायर माइनस लोअर, दोनों में माइनस एम ई रेस टू फोर, एट एप्साइलॉन नॉट स्क्वायर एन आई स्क्वायर एस स्क्वायर, माइनस ए माइनस और ए फॉर्मूला का माइनस माइनस माइनस, प्लस एम ई रेस टू फोर, एट एप्साइलॉन नॉट स्क्वायर एन एफ स्क्वायर और एस स्क्वायर। चलो ये दोनों में से क्या कॉमन, तो पहले तो एम ई रेस टू फोर एट एप्साइलॉन नॉट स्क्वायर एस स्क्वायर कॉमन, चलो प्लस वाले आगे मतलब वन अपॉन एन एफ स्क्वायर आगे, और ए माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर, राइट। चलो एन ई एन आई माइनस ई एन एफ, ये तो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू होता है, एच न्यू आई एफ लिख देते हैं, दोनों का डिफरेंस है। तो एम ई रेस टू फोर एट एप्साइलॉन नॉट स्क्वायर एस स्क्वायर, वन अपॉन हो जाएगा एन एफ स्क्वायर वन अपॉन एन आई स्क्वायर, राइट। हमें अगर फ्रिक्वेंसी चाहिए तो न्यू आई एफ इज इक्वल टू एम ई रेस टू फोर एट एप्साइलॉन नॉट स्क्वायर, क्या हो जाएगा एच क्यूब हो जाएगा, ओके, वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। हमें चाहिए वेव नंबर का फॉर्मूला, तो एक तो यहां पे अगर आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछे तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। अभी फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम वेव नंबर मतलब लेमडा का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। सो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन लेमडा एंड न्यू, तो सी इज इक्वल टू होता है लेमडा न्यू, सो दैट न्यू इज इक्वल टू कितना होगा सी डिवाइड बाय लेमडा। चल यहां पे वैल्यू पुट करो, लेमडा की जगह न्यू की जगह पे सी और लेमडा आई एफ लिख सकते हैं, एम ई रेस टू फोर हो जाएगा एट एप्साइलॉन नॉट स्क्वायर और एच क्यूब हो गया वन डिवाइड बाय एन एफ स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय एन आई स्क्वायर। चलो सी को नीचे जाने देते हैं, तो वन अपॉन लेमडा आई एफ इज इक्वल टू एम ई रेस टू फोर एट एप्साइलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब और सी, वन डिवाइड बाय एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर। तो ये हो गया वेव नंबर का फॉर्मूला। इट इज नोन एज फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर, राइट। उसमें ये जो मैं टर्म हाईलाइट कर रहा हूं एम ई रेस टू फोर एट एप्साइलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी, ये टर्म में सारी वैल्यूज नॉन वैल्यूज है, तो ये जो नॉन वैल्यूज है वो सब पुट करो तो यहां पे आपको मिलेगा आर की वैल्यू विच इज 1.097 इंटू 10 रेस टू 7 मीटर इनवर्स,
और इस वैल्यू को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट आर। ओके, तो रिप्लेस दिस टर्म आर 1 डिवाइड बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एन आई स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया जिसमें आर है रिडबर्ग कांस्टेंट। कौन से वैल्यू है? रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। अभी देखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट एनर्जी या तो एमिशन एनर्जी लेवल क्या होता है? एमिशन एनर्जी लेवल, और सेकंड है एब्सॉर्प्शन एनर्जी लेवल। तो पहले दो एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे होगी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। सेम सिमिलरली यहां पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। सो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजाइडिंग इन अ ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी आर गिविंग सम एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन। सो इट विल एक्साइट फ्रॉम दिस ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। डायग्राम चेंज कर देते, यहां पे एब्सॉर्प्शन कर देते एनर्जी लेवल और एमिशन। एनर्जी लेवल, तो अगर ग्राउंड स्टेट में से कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर आपको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें फोटोन एनर्जी एच न्यू के फॉर्म में फोटोन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन, बिकॉज दे आर एब्जॉर्बिंग सम एनर्जीज एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस एनर्जीज इट विल एक्साइटेड फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट। ओके, नाउ टोटली ऑपोजिट टू एमिशन एनर्जी लेवल्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी इन दिस स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम दिस एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट एंड दे आर रिलीविंग सम एनर्जीज इन अ फॉर्म ऑफ फोटोन विच इज एच न्यू। ओके, तो हायर लेवल एनर्जी स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हुए वो लोअर लेवल जो एनर्जी स्टेट होते हैं उसमें माइग्रेट होते हैं, तभी कुछ फोटोन के फॉर्म में उस एनर्जी का क्या होता है रिलीज होती है उस एनर्जी। तो इस टाइप का जो एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं एमिशन एनर्जी लेवल, राइट। सो इन टूडेज लेक्चर देर आर सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज लाइक अ फ्रिक्वेंसी एंड द वेव नंबर्स। वेव नंबर में याद रखना, यहाँ पे जो आपको m ई रेस टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी दिया है वो क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। ओके, और 1.097 इंटू 10 रेस टू 7 के फॉर्म में याद रखें। आप घर पे भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ये सारे वैल्यूज मैंने बता दिए, इसमें जस्ट c जो है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज 3 इंटू 10 रेस टू 8। इतनी वैल्यू आप अगर इसमें पुट करोगे तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यू मिल सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।